हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलू। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो करेंगे जीडीसी के पेपर पे, जो कि 15 मार्च को ये एग्जाम हुआ था आपका। तो जो इसका जीएस वाला पार्ट था वो आलोक सर के द्वारा अपलोड कर दिया गया था सेम डे, लेकिन सोशियो वाला पार्ट समय अभाव के कारण नहीं अपलोड हो पाया, क्योंकि फेस्टिवल वगैरह भी बीच में था, तो इस वजह से ये पार्ट रह गया था। और चूंकि अभी सर व्यस्त हैं, हायर एजुकेशन का हमारे यहाँ इंटरव्यू भी चल रहा है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा जो लोग क्वालिफाई किए हैं, तो इसी सब व्यस्तता के कारण ये पेपर नहीं अपलोड हुआ था। तो आज चूंकि सर का ये निर्देश था कि इस पेपर को अपलोड कर दिया जाए, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं जो 31 नंबर यानी 1 से 30 तक जो क्वेश्चन थे वो जीएस के थे, जो कि पहले ही हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, और 31 सोशियो का यहाँ से शुरू हुआ है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन में निम्नलिखित में से किस समूह को अपना आधार माना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पहले से ही देखिए हमने इसको हाईलाइट कर रखा हुआ है, यानी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक। ठीक है, तो तीनों आधार पर जो है मंडल आयोग के द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यह सुविधा दी गई थी। ठीक है, तो सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए 32 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है कि सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAP किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ पुस्तकें दी गई हैं और इनको हमें मैच करना है। तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत बहुत ही हाईलाइट है, बहुत बार ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सांस्कृतिक विलंबना जो है ये आगमन ने दिया हुआ है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था हर्ष कोविट्स ने। संस्कृति के प्रकट तथा अप्रकट तत्व की चर्चा किसने की थी? तो ये की थी प्रकट एवं अप्रकट तत्व की चर्चा। तो ये हो जाएगा आपका सी का 2 यानी क्लूकोन। ठीक है, और डी यानी अधिवैक्तिक और अधिसावी की चर्चा किसने की है? तो ये की है आपकी क्रोबर ने। किसने किया है? क्रोबर महोदय ने किया है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो हो जाएगा राइट। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उद विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया था? तो उद विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर की चर्चा किसने की है? तो यहाँ पे ये चर्चा जो की है ये की है फ्रेंड्स ईवी टायलर द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि यह कौन कहता है कि हमें खुद को खतरे के समाज यानी रिस्क सोसाइटी से दूर रहना है। तो आधुनिकता में ये बात की थी उल्रिच बेक ने। ठीक है, तो उल्रिच बेक ने पुस्तक भी लिखी थी रिस्क सोसाइटी, इनकी पुस्तक का भी नाम है। तो इन्होंने जो है खतरे का समाज, जोखिम भरा समाज। ठीक है, तो कभी कभी जोखिम भरा समाज और कभी कभी खतरे का समाज, तो इस प्रकार से ये चीजें आ जाती हैं इनकी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सोरोकिन ने 3 प्रमुख प्रकार के वर्ग स्त्रीकरण की चर्चा की है। सोरोकिन ने 3 प्रमुख प्रकार के वर्ग स्त्रीकरण की चर्चा की है, इनमें से कौन एक शामिल नहीं है? तो नहीं, देखिए नहीं, हमने एक जीडीसी एग्जाम से पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया भी था कि आप लोग है नहीं है, ठीक है, इन सब चीजों पर विशेष फोकस कीजिएगा। इस प्रश्न पत्र में बहुत सारे ऐसे टर्म्स मतलब क्वेश्चन आए हुए थे नहीं है। ठीक है, तो इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और व्यवसायिक, तो इसमें फ्रेंड्स जो सोरोकिन ने आधार बनाया था वो आर्थिक, राजनैतिक और व्यवसायिक। ठीक है, तो तीनों इन्होंने बताया था, लेकिन जो ये सोशल वाला क्लास था ये मैक्स वेबर द्वारा बताया गया है, ना कि सोरोकिन द्वारा। ठीक है, तो सोरोकिन के द्वारा जो है ये आर्थिक, राजनैतिक और व्यवसायिक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की चर्चा इन्होंने की हुई थी, तो ऑप्शन बी की चर्चा इन्होंने नहीं की हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 37 है कि निदर्शन के संदर्भ में, ठीक है, निदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दिया गया है 1 नंबर पे गुडे तथा हार्ट के अनुसार निदर्शन किसी समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि है। ठीक है, क्या है? एक छोटा प्रतिनिधि है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और सिम पाओ यंग के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि अंश है, तो ये दोनों बातें सही हैं। ठीक है, तो दोनों दोनों जो ये परिभाषाएं हैं ये इन लोगों के द्वारा
दी गई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए और दो दोनों करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्कृष्टता की संस्कृत की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, ठीक है। तो कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। तो उत्कृष्टता की संस्कृत की जो चर्चा की है वो किसके किसने की है, पियरे बोर्डियो, ठीक है। तो इन्होंने संस्कृत की अवधारणा भी दी थी, ठीक है। तो उत्कृष्टता की संस्कृति ये इनका हो जाएगा, पूजी और ये सब जो बातें की हैं, तो ये पियरे बोर्डियो से रिलेटेड आपका हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिक दिन में संपादन में व्यक्तियों की भूमिका को किसने कम महत्व दिया, ठीक है। सामाजिक विनिमय संपादन में व्यक्तियों की भूमिका को किसने कम महत्व दिया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर अभी मुझे नहीं मिल पाया है, ठीक है। तो अगर मिल जाएगा तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बताया जाएगा, और जिन फ्रेंड्स को ये क्वेश्चन आ रहा होगा इसका आंसर, वो हमें मैसेज भी कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको छोड़ दे रही हूँ, वैसे मैलिनोवस्की मान के चलिए, क्योंकि विनिमय का इन्होंने किया था ना अध्ययन ट्रोवियांडा आइलैंडर्स, ठीक है। तो ट्रोवियांडा आइलैंडर्स का इन्होंने अध्ययन किया हुआ था मैलिनोवस्की ने, तो मतलब अभी मैलिनोवस्की ही मान के चलते हैं, बाकी देखते हैं कि आयोग क्या आंसर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय समाज को समझने के लिए पुस्तक दृष्टि यानी बुक व्यू और क्षेत्र दृष्टि यानी फील्ड व्यू, ठीक है, की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, ठीक है। तो ये अवधारणा किसने दी है, तो ये दी है फ्रेंड्स MN श्रीनिवास। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से पकड़ होना चाहिए, मैं बार बार इस चीज को कहती हूँ, और मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर को कराया भी है हमारे चैनल पर। लगभग मान के चलिए कि सोशियोलॉजी के ही 60-70 वीडियोज प्रीवियस के मेरे द्वारा सॉल्व कराए गए हैं, और सर के भी द्वारा बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड हैं। वो चाहे नेट का पूरा पेपर हो, PGT का हो, GDC का हो, सारे पेपर ऑथेंटिक आंसर की के अनुसार वहां पे उपलब्ध हैं। तो ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो MN श्रीनिवास यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ पुस्तक है और दूसरे तरफ उनके राइटर हैं। तो देखिए द इनविजिबल रिलीजन, ठीक है, तो ये लकमैन का हो गया, फार मार्क्स लुईस अल्थुजर का हो गया, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पीटर बर्जर की पुस्तक है, सबको पता है। लेकिन जो फ्रेंड्स द होमलेस माइंड दिया गया है, ये अल्फ्रेड सुट्ज यहाँ दिया गया है, ये अल्फ्रेड सुट्ज की बुक नहीं है। ये किसकी बुक है, द होमलेस माइंड, ये है पीटर बर्गर की ही बुक है, ठीक है। तो अल्फ्रेड सुट्ज ने ऐसी कोई पुस्तक नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आदर्श प्रारूप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आदर्श प्रारूप, ठीक है, आदर्श प्रारूप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक रचना है, यह एक उपकल्पना है, तो दोनों बातें सही हैं। तो क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जब निदर्शन का कोई ढांचा फ्रेम ना हो तो किस प्रकार का निदर्शन उपयुक्त होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा स्नोबॉल सैंपलिंग, ठीक है, स्नोबॉलिंग सैंपलिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है, तो कौन सा वो युग्म गलत है फ्रेंड्स। देखिए टीवी बाटोमोर, इन्होंने सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी हुई है, ओल्सन ने द प्रोसेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लिखी हुई है, CH कूले की तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा हाईलाइट पुस्तक है, लेकिन जो इलियट तथा मैरिल सोशल प्रॉब्लम्स एंड चेंजिंग सोसाइटी, ये पुस्तक इलियट यंग मैरिल की नहीं लिखी गई है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ फ्रेंड्स, डॉक्टर SC दुबे द्वारा लिखित पुस्तकों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो ये क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन डिलीट होगा। कैसे डिलीट होगा, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स इसका जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर किसी आंसर में नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी पुस्तक इनकी क्रमानुसार सही होगी। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें देखिए इसका जो क्रम है, देखिए पहले दिया गया कि ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंडिया चेंजिंग विलेज और इंडियन विलेज, सोशल साइंसेज आप इन चेंजिंग सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले जो बुक लिखी थी, सबसे पहले अगर देखा जाए तो उन्होंने द कमाल लिखा हुआ था 1954 में, तो द कमाल तो है नहीं, उसके बाद में 1955 में उन्होंने लिखा था इंडियन विलेज। तो इंडियन विलेज अगर देखा जाता है फ्रेंड्स, तो देखिए किसी भी ऑप्शन में 3 नंबर नहीं है, ठीक है, यानी 1442 करके दिया गया है। तो यानी इंडियन विलेज जो पुस्तक है वो सबसे पहले 1955 में इन्होंने लिखी हुई थी, लेकिन चूंकि ऑप्शन में ही नहीं है तो ये क्वेश्चन क्या होगा,
ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका डिलीट, ठीक है। इसको मैं यहाँ स्टार लगा दे रही हूँ, एक मिनट। ये क्वेश्चन क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसका सीक्वेंस सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है 46 नंबर पे कि दुनिया में हर किसी की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं, तो यह किसने कहा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर अभी मुझे नहीं मिल पाया है बहुत सर्च करने के बाद में, लेकिन इसको अभी स्टार लगा दे रही हूँ मैं इस पे, इसको सर्च किया जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस किसी को भी मिलेगा तो वो उस पे अपना आंसर सेंड कर देगा कि इस पे क्या होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर जिसको भी पता होगा। बाकी इसको सर्च किया जाएगा, बाद में अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं वहां पे इसको अपलोड कर दूंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध उस कार्य का भाग है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना होता है। तो ये परिभाषा है रिसर्च की कि जो एक्शन रिसर्च है वो उस कार्य का भाग है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना होता है। तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स, ये गुडेयोंग हार्ट द्वारा, ठीक है। तो गुडेयोंग हार्ट यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा अस्वीकृत किया गया। तो किसके द्वारा किया गया फ्रेंड्स स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत, तो ये दुर्खीन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। परजीवी जमींदारी, ठीक है, परजीवी जमींदारी पर चर्चा किसने की है, तो ये की है बीजे मूरे द्वारा। तो ऑप्शन सी, देखिए ऑप्शन सी इसमें है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार की गरीबी, ऐसी कौन सी गरीबी है जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाती है। तो फ्रेंड्स यह जो क्वेश्चन है ये पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो पीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान होगा आप लोगों को। संपूर्ण गरीबी, ठीक है, यानी अगर हम अपने मतलब ऐसी गरीबी है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पा रहा है कोई व्यक्ति, अपने शरीर जो शारीरिक जो उसके फंक्शन है उसका वो रख रखाव नहीं कर पा रहा है, यानी जो आवश्यकता है बेसिक नीड्स है अगर वो नहीं फुलफिल हो रही है किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की, तो फिर वो कैसी गरीबी है, वो संपूर्ण गरीबी है। सापेक्षिक नहीं है कि हमें किसी से सापेक्षिक वंचना हो रही है कि उनके पास कार है मेरे पास नहीं है, या उनके पास घर है मेरे पास नहीं है। कल्चर वाली गरीबी ऐसी कोई नहीं है लागू की गई, यानी गवर्नमेंट या ऐसा कोई चीज लागू कर दिया गया, तो ये सब नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं शरीर शारीरिक प्रकार के रख रखाव के लिए उसे जो आवश्यकताएं हैं यानी भोजन या जो भी चीजें हैं उसको दवाएं हैं, अगर वो चीजें नहीं कंप्लीट हो रही हैं फ्रेंड्स, तो वो क्या हो गया जो है, ये संपूर्ण गरीबी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा, देखिए पियरे बोर्डियो के दो क्वेश्चन आए हुए हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया, तो ये पियरे बोर्डियो, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे दिया गया है भूमिका अक्षमता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो ये HD क्रिक द्वारा किया गया, HD क्रिक, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ जो चैनल पर अपलोड किया गया है, ये सब क्वेश्चन करवाए गए हैं, ठीक है। रोल हैंडीकैप, ठीक है, तो रोल हैंडीकैप का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने किया था, HD क्रिक महोदय ने दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्कृतिकरण प्रक्रिया है तो क्या है, एक अंतःजनित परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, और इसमें सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन होता है। वैसे देखा जाए तो इसमें पदमूलक परिवर्तन होता है, ठीक है। संस्कृतिकरण में कैसा परिवर्तन होता है, पदमूलक, लेकिन जो है क्योंकि ये अंतःजनित है यहाँ पे ऑप्शन में, और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए संरचनात्मक मार्क्सवादी कौन नहीं है, ठीक है, तो संरचनात्मक मार्क्सवादी कौन नहीं है, ठीक है, नहीं, देखिए नहीं है ना, तो नहीं पर विशेष फोकस करना है। देखिए लुईस अल्थुजर, निकोलस पोलेंजा, मॉरिस गोडेलियर, ठीक है, तो ये तीनों है, लेकिन लेवी स्ट्रॉस क्या है, ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृतिकरण को वैचारिक ग्रहण करने वाली प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया, तो यह भी फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, किसका है, योगेंद्र सिंह का, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में ऐसी कौन सी अनुसूची है जो पंचायती राज व्यवस्था की सख्ती से संबंधित है, तो वो है 11वीं, ठीक है। तो 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज व्यवस्था की सख्ती से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखिए
इसमें जनजातियां हैं और वो किस राज्य में निवास करती हैं ये बताना है, ठीक है। तो हो जनजाति ये कहाँ पे रहती है, झारखंड में, ठीक है। खासी असम में रहती है, संथाल ये बिहार में रहती है, लेकिन जो भील है ये कहाँ पे रहती है, ये राजस्थान में रहती है, ना कि उत्तर प्रदेश में रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आधुनिकीकरण जो है मॉडर्नाइजेशन के संबंध में ऐसा कौन सा कथन है जो सही है। तो देखिए, आधुनिकीकरण एक यूरोपीय परियोजना थी, तो बिल्कुल थी फ्रेंड्स, और इसका लक्ष्य संस्कृतियों का समांगीकरण करना था, तो ये भी है। तो एक और दो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आए हैं जिसमें एक और दो दोनों है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है, यानी जो क्लास, ठीक है, मेंबरशिप ऑफ क्लास, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, तो वर्ग की जो सदस्यता निर्भर करती है किस पे करती है, ये क्षमता और योग्यता के आधार पर करती है, ना कि जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं और जीडीसी का पेपर दिए हुए हैं, या जो फ्रेंड्स अभी हायर का एग्जाम दिए हुए हैं, इंटरव्यू लगा हुआ है, अगर उनके अंदर योग्यता है, उनकी कैपेसिटी है, तो वो इंटरव्यू फेस करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनकी क्या है ये, उनकी जो वो जो क्लास उनकी होगी वो क्या होगी, उनकी क्षमता और उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें मिलेगी, ना कि पहले से ही उनको ये प्रदान कर दी गई है कि आप भैया पहले से ही प्रोफेसर हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो डी हो जाएगा, क्षमता और योग्यता के आधार पर, ठीक है, अचीव करना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज का उद्विकासी स्तर नहीं है, तो बहुत अच्छा ये प्रश्न आया हुआ था, इसके पहले मार्गन का, स्पेंसर का, इन सब लोगों का पूछा गया था, लेकिन पार्सन्स का नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो पार्सन्स ने जंगली स्तर की चर्चा नहीं की है, ठीक है, जंगली स्तर की चर्चा नहीं की है, और यह क्वेश्चन जेपी सिंह की पुस्तक, सर ने बताया हुआ था आप लोगों को पढ़ने के लिए, जेपी सिंह की पुस्तक में यह क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, पार्सन्स का अच्छे से दिया है, मार्गन का, और उसके बाद में स्पेंसर का, ठीक है। तो आप जेपी सिंह की बुक एक बार सर्च कर लीजिएगा, मैंने सर्च किया है पेपर को आप लोगों को डिस्कस करवाने से पहले। तो ये निम्न आदिम स्तर यानी लोअर प्रिमिटिव स्टेज, और जो है माध्यमिक समाज और औद्योगिकृत समाज, इसकी चर्चा इन्होंने की है, लेकिन जो जंगली स्तर है ये सेवेज स्टेज की चर्चा इन्होंने नहीं की हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिमुलेशन, सिमुलेशन एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो ये है फ्रेंड्स जॉन बॉडीलार्ड की पुस्तक है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से लेखक और उनकी पुस्तक से कौन सा युग्म सही है। देखिए अब यहाँ पे नहीं नहीं है, कौन सा सही है, ठीक है। तो योगेंद्र सिंह सोशल चेंज इन इंडिया, ये नहीं है, ठीक है। बी एस कोहन सोशियोलॉजी टूडे, तो सोशियोलॉजी टूडे इनकी पुस्तक नहीं है, ठीक है। सोशियोलॉजी टूडे जहां तक मुझे लग रहा है ताया जिंकिन की पुस्तक है, और सोशल चेंज इन इंडिया, तो सोशल चेंज इन इंडिया अगर क्राइसिस करके दिया गया है तब तो वो योगेंद्र सिंह का होगा, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो एम एन श्रीनिवास देखिए दिया गया है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, तो ये योगेंद्र सिंह की पुस्तक है, ठीक है, ये जो है एम एन श्रीनिवास की नहीं, लेकिन जो द सोशल सिस्टम बुक है ये किसकी है, ये पार्सन्स की ही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा देखा जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था और जैव की व्यवस्था, ठीक है, तो इसको मैच करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन थ्री हमारा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जा रहा है। इसमें क्या है कि देखिए जो सामाजिक व्यवस्था है इससे क्या होगा, एकीकरण होगा, तो ए का थ्री हो जाएगा। बी सांस्कृतिक व्यवस्था है यानी प्रतिमान संरक्षण और तनाव प्रबंधन की प्रक्रिया है, और सी का फोर यानी व्यक्तित्व जो व्यवस्था है ये लक्ष्य प्राप्ति यानी गोल अटैचमेंट की बात होती है, और जो जैविक व्यवस्था है ये क्या होता है, वन यानी अनुकूलन, ठीक है, अडॉप्टेशन, ठीक है। तो अनुकूलन हो गया यानी डी का वन हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये नया क्वेश्चन है कि धांडक एक अवधारणा है, ठीक है, तो धांडक एक अवधारणा है जिसका विशिष्ट आशय है, तो इसका फ्रेंड्स पर्यावरण संरक्षण हेतु सामाजिक प्रतिरोध का एक स्थानीय प्रकार है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री का यह अवलोकन है कि भारत में परिवार के अध्ययन में कि हिंदू जो भावनाएं अभी भी क्या है, संयुक्त परिवार के पक्ष में है, तो ये पीजीटी में नेट में भी आया हुआ है, केएम कपाड़िया जी की डेफिनेशन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग द्वारा घोषित मिशन शक्ति अभियान की अवधि थी, तो कब थी ये, 17 से 25 अक्टूबर 2020 में थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। चलिए देखिए ये सब क्वेश्चन करवाए गए हैं कल्चर वाले पार्ट में। देखिए ये होकार्ट और
होगार्ट का क्या हो गया, होगार्ट ने क्या दिया था, जात की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत दिया था, ठीक है। नेसफील्ड ने जात की उत्पत्ति का व्यवसायिक सिद्धांत दिया था, और जो सी पे अब्बे डुबायस इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने जात की उत्पत्ति का ब्राह्मणिक सिद्धांत दिया था, यानी जो है इसका हो जाएगा 4। और रिजले ने क्या दिया था फ्रेंड्स, इन्होंने दिया था जात की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत। सर ने अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से जो है कास्ट वाले पार्ट में इसको कराया हुआ है, तो ये सब तो क्वेश्चन सभी के सही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि मैक्सियन समुदाय तो ये किससे जुड़ा हुआ है, रेडफील्ड से इन्होंने, ठीक है, इन्होंने अध्ययन किया हुआ था रॉबर्ट रेडफील्ड ने, तो मैक्सिकन कल्चर का, और किशनगढ़ी ये मैकिम मैरियट का, और रामपुरा एम एन श्रीनिवास का, और समीर पेट एस सी दुबे का, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किसने आत्मसात्मीकरण की प्रक्रिया को प्रजातीय संबंधों के चक्र के रूप में परिभाषित किया है, तो ये किसने किया फ्रेंड्स, रॉबर्ट पार्क ने, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संघर्ष समूह जो है संघर्ष सिद्धांतकारों का है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है मार्क्स, रेजन होपर और डेरेन डार्फ, ठीक है। तो हायर में भी आया था और नेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्वकेंद्रित कटिबंध सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो ये बी हो जाएगा, आर पार्क तथा बर्गेस, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की तुलना जो है आदर्श लोक से की है, तो किसने की है फ्रेंड्स, ये किसने कहा कि जो पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था है वो आदर्श लोक है, किसने किया, तो ये डेरेन डार्फ कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। आधुनिक युग का स्थान उत्तर आधुनिक काल द्वारा लिया जा रहा है, तो ये किसने कहा था, जे एफ लियोटार्ड, इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई थी द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ठीक है, उसी पुस्तक में ये चर्चा की हुई थी कि जो आधुनिक युग है उसका स्थान किसने ले रहा है, उत्तर आधुनिक काल द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो गया। देखिये यहाँ पे पुस्तकें पूछी गई है, और देखिये सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो ए का 2 यानी आंद्रे बेते, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, तो बी का 4, बहुत हाईलाइट पुस्तक है, इसी से ही आप लोग मैच कर लिए होंगे मुझे लग रहा है, तो बी का 4 हो गया। और सी विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, ये भी एम एन श्रीनिवास की बहुत हाईलाइट पुस्तक है, सी का 1, और द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, तो डी का हो जाएगा 3 यानी के एल शर्मा, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत के निजी क्षेत्र में कर्मचारियों का जो अवैध शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यानी जो सेवा क्षेत्र है इसमें जो है कर्मचारियों का जो अवैध शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार के अपराध को किस प्रकार के श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, तो फ्रेंड्स किसमें किया जाएगा, नील वसन अपराध, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्लू कॉलर क्राइम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए क्राइम वाले पार्ट को मैंने डिस्कस भी किया था, ठीक है। निम्न में से किसने समाज जैविकी का प्रयोग सेक्स और जेंडर पर प्रयोग किया, तो किसने किया था फ्रेंड्स, ये डेविड बरास ने, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। कथन है कि बहुलवाद प्राचीनतम वेद जितना ही प्राचीन है, ऋग्वेद घोषित करता है कि परम एक है, यद्यपि ऋषियों ने इसे विभिन्न नाम दिए हैं, तो ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक पुस्तक है टूवर्ड्स सोशियोलॉजी ऑफ दलित, ठीक है, तो ये पुस्तक नई है, और ये किसने किसके द्वारा रचित है, ये परमजीत जज द्वारा, ठीक है, तो ये सोशियोलॉजी के, हाँ, तो फ्रेंड्स परमजीत जज जो थे ये इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे, ठीक है, और लेकिन वर्तमान में अभी जो है वो आभा सिंह चौहान जी हैं, ठीक है, वो मतलब विनर हैं इस बार, तो चूंकि ये मतलब हाईलाइट था इस बार, अभी चुनाव हुआ था, तो इसलिए यह क्वेश्चन उनकी पुस्तक को पूछा गया है, टूवर्ड सोशियोलॉजी ऑफ दलित, तो परमजीत सिंह जज के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वेस्टर मार्क ने बहुपद विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा, ठीक है, तो वेस्टर मार्क ने बहुपति विवाह का जो महत्वपूर्ण कारक है वो किसे कहा है फ्रेंड्स, तो इन्होंने कहा था कि लिंग अनुपात का असंतुलित हो जाना, ठीक है, यानी लिंग अनुपात में असमानता, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो सामाजिक व्यवस्थाएं व्यक्तियों से निर्मित होती हैं और सामाजिक व्यवस्था एक आदर्श प्रारूपी निर्माण है, तो दोनों बातें सही हो जाएंगी, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमिका और प्रस्तुत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है, चयन कीजिए सही कथन का, तो देखिये यहाँ पे जो पहला दिया गया है कि भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक
प्रस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो एक और दूसरा दिया गया कि भूमिका और परिस्थिति में कोई संबंध ही नहीं है, तो यह तो गलत है ना। लिंटन क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ मैन, लिंटन ने पुस्तक लिखी हुई थी, मैंने इस क्वेश्चन को साल भी कराया था, जो जीडीसी का भी हमने इसके पहले एग्जाम देने से जाने से पहले हमने कुछ टेस्ट कराए हुए थे, उसमें ये कराया हुआ था लिंटन का कि भूमिका और परिस्थिति क्या है। भूमिका और परिस्थिति एक गतिशील पहलू है, ठीक है, यानी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कोई संबंध ही नहीं। तो यह तो फ्रेंड्स गलत हो गया ना। तो ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन वन जो है वही करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यौन कर्मियों का अध्ययन सहभागी अवलोकन पद्धति से किसने किया, तो विलियम एफ व्हाइट, इन्होंने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक अमेरिका के झुग्गी झोपड़ियों का अध्ययन किया था, वहीं पे इन्होंने इसका भी अध्ययन किया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो गया। प्रभुत्व और शक्ति बेबर का है, आमानवीकरण मार्क्स का है, तर्क प्रयोगात्मक की बात दुर्खीम ने की हुई, लेकिन ध्रुवीय द्विभागीकरण ये पार्सन्स का नहीं है फ्रेंड्स, ये किसका है, ये लेवी स्ट्रॉस द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि सामाजिक मूल्य है, तो एक नीति परक आदर्श है या विश्वास है या नियम है या मानदंड है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है वन हो जाएगा, नीति परक एक आदर्श होता है, जो मूल्य होते हैं हमारे, ठीक है, और क्या होता है, ये मानदंड होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सहयोग संघर्ष सातत्य, ठीक है, तो सहयोग संघर्ष सातत्य की अवधारणा को किसने विकसित किया, तो ये किया है फ्रेंड्स लेस्ली द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसको, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। नवीन आंदोलन उत्तर आधुनिक सामाजिक मुद्दों के परिणाम है, यह किसने कहा, तो ये एम एस सी राव द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो नहीं है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में है, राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में है, रोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रम 1980 में है, लेकिन जो महिला समृद्धि योजना है ये 1995 दिया गया है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यही नहीं है सही, ठीक है। ग्राम पंचायतों को राम राज्य, जो ग्राम पंचायती थी उनको राम राज्य का आदर्श किसने माना, तो ये माना था फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, और उन्होंने कहा भी था ना कि गाँव की ओर लौटो, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों को राम राज्य का आदर्श किसने माना, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि विश्व के विकासशील देशों में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की प्रक्रियाओं के मध्य धनात्मक संबंध है, जबकि विकसित देशों में इन दोनों प्रक्रियाओं के मध्य कोई धनात्मक संकेत नहीं देखा गया, तो यह किसने कहा, सामान्यीकरण किया, सोवानी ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस तिथि को प्रारंभ किया गया, तो बहुत ही फेमस, बहुत बार पूछा गया है, 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल, लेकिन जो द्रविड़ मुन्नेड़ कंडगम पार्टी श्री नारायण गुरुस्वामी, तो ये नहीं है, ठीक है, इनका नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रॉबर्ट बीरर स्ट्रीट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, तो समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, बिल्कुल सही है, समाजशास्त्र क्या है, एक वास्तविक विज्ञान है, ठीक है, तो ए और दो दोनों हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक किसे कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है, ठीक है, तो वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक किसे कहा जाता है, तो ये चार्ल्स बूथ को, ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ पुस्तक पूछी गई है, गॉड्स एंड मैन, तो ये किसका हो गया, ए कटू, ठीक है, ए कटू, और प्रिमिटिव सोसाइटी, तो आर एच लोबी की हो गई, और सी कावन मिथ एंड रियलिटी, सी कावन डी डी कोसाम्पी, और विलेज इंडिया, ये किसका हो गया, विलेज इंडिया मैकम मैरियट, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दर्शकीय अपशिष्ट की चर्चा किसने की है, तो ये बेबलन द्वारा की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सहयोग का प्रकार होमन्स द्वारा प्रस्तुत नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, अप्रत्यक्ष, ठीक है, इनडायरेक्ट का उन्होंने चर्चा नहीं किया हुआ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी विज्ञानों के लिए वैज्ञानिक पद्धति की एकता का समर्थन किसने किया, तो सभी विज्ञानों की वैज्ञानिक पद्धति के लिए वैज्ञानिक एकता का समर्थन किसने किया है, तो ये किया है फ्रेंड्स बोगार्डस ने, ठीक है, बोगार्डस, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको सही कर दे रही हूँ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जीएस घुरिए द्वारा जनजातियों के लिए, जनजातियों के, एक मिनट,
जीएस गुरी द्वारा जनजातियों को किस शब्द का प्रयोग किया गया, बहुत बार पूछा गया है, पिछड़े हिंदू, ठीक है, पिछड़े हिंदू कहा था जीएस गुरी ने। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पद किसके द्वारा, तो भी पीजीटी में यह क्वेश्चन पूछा गया था, हर्बर्ट ब्लूमर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्षवाद तथा कॉल पॉपर का आलोचक कौन था, तो थॉमस कून, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि सांख्यिकीय अनुमान तथा जो सांख्यिकीय अनुमान तथा ये क्या है, संभाविकता का विज्ञान है, तो किसने कहा फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ए एल बोडिंगटन, ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो विशेष विवाद नियम 1954, हिंदू विवाद नियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या दत्तक पुत्र जिसको कहते हैं तो 1956, लेकिन जो दहेज निरोधक अधिनियम है ये 1961 है, ना कि 1965, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक महान समाजशास्त्री जिन्होंने कहा था कि आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रघटना है, तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स, योगेंद्र सिंह ने कहा था। निम्न में से कौन सा उपयोगी प्रकल्पना की विशिष्टता नहीं है, ठीक है, तो नहीं है, तो ये कौन सी है, विशिष्टता इसमें नहीं है, स्पष्टता है, अनुभव सिद्धता है, समरूपता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि भूमिका दूरी का विचार किसने प्रस्तुत किया, तो गॉफमैन, बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी इवांस द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ नॉनसेंस, जी सी होमन द नेचर ऑफ सोशल साइंस, कुहन की द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, लेकिन जो ए एस ब्लूम, ये इन्होंने होक्सेस नामक पुस्तक नहीं लिखी हुई है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये किया था फ्रेंड्स, किसने किया था, ट्रेडिशन वाज फर्स्ट यूज बाई, ठीक है, इकोलॉजिकल, तो ये किया था बर्कले महोदय ने, ठीक है, बर्कले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो सामाजिक अनुसंधान का जो उद्देश्य है नए सिद्धांतों का निर्माण व पुराने सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण करना होता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, जो हम रिसर्च करते हैं सोशल रिसर्च, उसका उद्देश्य ही यही है कि नए सिद्धांतों का हम निर्माण करें और जो पुराने सिद्धांत, यानी अगर कोई पुरानी थ्योरी है वो उस पे रिसर्च किया गया है, कोई सिद्धांत है तो उसका हम पुनर्परीक्षण करें, ठीक है, तो क्या हो गया ये वाला, तो एकदम करेक्ट हो गया। लेकिन दूसरा फ्रेंड्स दिया गया कि सामाजिक अनुसंधान के आधार पर भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, तो क्या ऐसा है, नहीं है, ठीक है, यानी हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, ठीक है, सामाजिक अनुसंधान के आधार पर हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही होगा, तो यानी पहला वाला सही है, दूसरा वाला क्या है, पूर्णतः गलत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थिंकिंग सोशियोलॉजिकली नई पुस्तक पूछी गई है, ये लेखक कौन है, ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके हैं जिगमंड बाउमैन और टिम्से, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। उत्तर आधुनिक समाज वस्तुतः एक उपभोक्ता समाज है, किसने कहा, तो ये कहा है बॉडीलार्ड ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन से पारिस्थितिकी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो पार्क तथा बर्गेस ने 1925 में सर्वप्रथम सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा को विकसित किया, ये भी सही है। और रास के अनुसार पर्यावरण कोई भी वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी एक और दो दोनों हो जाएगा। अगला है कि डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ प्रिजन, ठीक है, तो ये पुस्तक बहुत ही फेमस है, मिशेल फूको की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि पारिस्थितिकी नारीवाद इको फेमिनिज्म शब्द किसने गढ़ा, तो ये किसने गढ़ा था फ्रेंड्स, ये फ्रैंकोइस डी आउबोन, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि कृषक समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड्स, टी सेनिन ने कृषक समाज की अवधारणा को चार प्रमुख विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया है, सही है। और आंद्रे बेते ने तीन विशेषताओं के आधार पर कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट किया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सामाजिक संरचना का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो बहुत ही हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने बुर्जुआ पर्यावरणवाद का प्रयोग किया, तो किसने किया है, ये अमिता बावेस्कर, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जीएस गुरिया द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, तो अभी जो 20 का एग्जाम हुआ था नेट का, इसमें भी जीएस गुरिया की पुस्तकें पूछी गई थी। देखिए इसमें जाति वर्ग एवं व्यवसाय, यानी कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, देखिए फ्रेंड्स हिंदी में थोड़ा सा टफ होता है, इंग्लिश में जाके जरूर देख लिया करिए, तो कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ठीक है,
और द इंडियन साधूज और सोशल टेंशन इन इंडिया। तो 1, 2, 4, 5 ये गुड़िया जी की पुस्तक थी, लेकिन जो क्या था कास्ट इन इंडिया ये इन्होंने नहीं लिखा था, जया छट्टन द्वारा पुस्तक लिखी गई। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से किस आंदोलन और उसकी वैचारिकी को समकालीन समाज के उत्तर आधुनिक प्रत्युत्तर के रूप में विवेचित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा, ये कृषक आंदोलन, ठीक है, अभी चल रहा था ना कृषक आंदोलन दिल्ली में। तो निम्न में से किस आंदोलन और उसकी वैचारिकी को समकालीन समाज के उत्तर आधुनिक प्रत्युत्तर के रूप में विवेचित किया गया, तो वही क्वेश्चन देखिए जो अभी चल रहा है उसी को यहाँ पे, जैसे परमजीत जज वाला कृषक आंदोलन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि किस नहर के प्रारंभ होने से भारतीय ग्राम वैश्विक बाजार का हिस्सा बना। तो ये स्वेज जो कैनाल है इसको व्यापारिक नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो स्वेज कैनाल, तो ऑप्शन डी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP का पर्यवेक्षण किस अमेरिकी संस्था द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया फ्रेंड्स, ये ग्लोबल विलेज फाउंडेशन द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारी जो आज की ये क्विज थी, जो पेपर था आपका GDC का, वो सोशियोलॉजी वाला भी पूरा कंप्लीट हुआ। हमें आशा है कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि सब लोग अपना मैच कर लीजिए पेपर, और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिखते हैं कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हो रहा है GS में और सब्जेक्ट में, तो उससे क्या होगा कि एक अनुमान भी लगाया जा सकेगा मेरिट की, कितनी मेरिट जा सकती है। ठीक है, तो उससे एक निष्कर्ष भी निकल के आएगा। तो आप सभी लोग अपना मेंशन कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।